नमस्ते जी सभी को। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि मानव मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है। मैं का अध्ययन करते हैं तो दिखता है कि इसमें एक तो कल्पनाशीलता का आयाम है, जहाँ पे इच्छा विचार आशा के स्तर पर चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन ये पांच क्रियाएं हो रही है। और मैं में अनुभव का भी आयाम है, ज्ञान का आयाम है, जहाँ अगर हम देखते हैं तो उसमें अनुभव प्रमाण बोध संकल्प और चिंतन ये क्रियाएं दिखाई देती हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो अनुभव का आयाम है वो जागृत नहीं हुआ है, अभी हम सिंपली विचार के आयाम में कल्पनाशीलता के आयाम में ही क्रियाशील हैं। और अभी हम जो सुबह में अभ्यास कर रहे हैं, जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जो इन प्रस्तावों पे ध्यान दे रहे हैं, जांचने का प्रयास कर रहे हैं, जीकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसका लक्ष्य देखें तो ये है कि हमारे अंदर ये जो ब्लॉक D1 की क्रियाएं हैं ये जागृत हो जाए, चिंतन की क्रिया जागृत हो जाए, बोध की क्रिया जागृत हो जाए, अनुभव क्रिया जागृत हो जाए। तो अनुभव का मतलब है अस्तित्व को देख पाना है, जैसा है वैसा देख पाना है। पूरी प्रकृति इस प्रकार शून्य में संपृक्त है, इसको मैं स्वयं शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाता हूँ तो मेरे अंदर अनुभव की क्रिया जागृत होती है। उससे पहले की स्थिति में देखें, हम प्रकृति की व्यवस्था को समझ रहे होते हैं। तो प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं किस प्रकार परस्पर पूरक हैं, कैसे हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, इसको जब मैं देखता हूँ कि बोध की क्रिया मेरे अंदर जागृत होती है। और वैसे ही इकाइयों की जो परस्परता है, उसमें जो संबंध है, जो व्यवस्था में भागीदारी है, उसको मैं देख पाता हूँ तो चिंतन की क्रिया जागृत होती है। तो अभी हम कल्पनाशीलता के आयाम में ही क्रियाशील रहते हैं। इनफैक्ट कल्पनाशीलता के आयाम में भी देखें तो ऐसा हो सकता है कि अभी हमारी जो स्थिति है वो आशा के स्तर पर ज्यादा एक्टिव है हम। उससे आगे की स्थिति ये बनेगी कि विचार के स्तर पर हम एक्टिव हो पाए, उससे आगे की स्थिति बनेगी कि हम चित्रण के स्तर पर भी एक्टिव हो पाए। तो अभी हम एक्टिव तो है, परंतु कल्पनाशीलता में भी अगर हम देखेंगे तो कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है ये भी देखने की बात है। तो इसमें भी हम सबको गति करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है अभी हमें चित्रण ही पूरा स्पष्ट नहीं है, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, अस्तित्व क्या है, इसका भी चित्रण नहीं है। क्योंकि चित्रण भी स्पष्ट नहीं है तो आगे के लिए काम नहीं हो पाता। अभी ऐसा हो सकता है कि हम मान्यता या संवेदना के दबाव में जी रहे हैं, तो बहुत सारे हमने मान्यताएं बना ली है मानव के बारे में, संबंध के बारे में, प्रकृति के बारे में, इस अस्तित्व के बारे में, उन्हीं मान्यताओं को लेकर हम विचार कर रहे हैं और बाहर से सुख पाने की आशा लगी हुई है। तो अभी हमको देखना है कि हमारी स्थिति अभी कहाँ है। इस चित्र को सामने रखकर हम अभी विस्तार से बात करेंगे मॉड्यूल 3 में, जहाँ हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो एसेंशियली देखें तो ये तत्व है, सार है, जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं। इस पूरे कोर्स का नाम देखें तो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली। जब ह्यूमन बीइंग को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने जाएंगे तो उसमें हमको दिखता है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, और मैं को जब समझने जाते हैं तो उसमें दिखता है कि ब्लॉक B1 केंद्र में है, और ब्लॉक B1 को भी समझने जाते हैं तो दिखता है उसमें अनुभव केंद्र में है। इस बात को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो ये तो सिर्फ एक परिचय मिल रहा है हमें कि इस पूरे कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। जब ये ब्लॉक B1 की क्रियाएं जागृत होती हैं तो जो विचार के सब क्रियाएं हो रही हैं, तुलन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, तो तुलन की क्रिया भी जागृत होती है पूरी तरह से। अभी तुलन की क्रिया पूरी तरह से जागृत नहीं है, तो अभी प्रिय हित लाभ में फंसे रहते हैं, तुलन करते रहते हैं। ब्लॉक B1 के एक्टिव होने के बाद से हमको दिखता है कि अब हमारी जो तुलन की क्रिया है वो सहअस्तित्व के अनुभव के आधार पर, व्यवस्था के बोध के आधार पर और संबंध में न्याय के चिंतन के आधार पर नियंत्रित हो जाती है। तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि जो अभी अनियंत्रित है वो नियंत्रित हो जाती है। वैसे ही जहाँ हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे रहते हैं, उसी के आस्वादन के लिए हम एक्टिव रहते हैं, उसके स्थान पर हम इस पूरी समझ के साथ
लक्ष्य और मूल्य के आस्वादन के साथ भी एक्टिव रहते हैं, और उसमें फिर दिखता है कि जो रुचि है वो नियंत्रित हो जाती है। पहले रुचि मूलक आस्वादन को लेकर हम प्रेरित रहते हैं, अब इस पूरे ब्लॉक जीवन के एक्टिव होने के बाद हमें दिखता है कि लक्ष्य और मूल्य मूलक आस्वादन हमें सुनिश्चित हो पाता है, जिससे रुचि मूलक आस्वादन नियंत्रित हो पाता है। फिर उसे जो हम भागीदारी कर रहे होते हैं मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ और व्यवस्था में जो भागीदारी कर रहे होते हैं, उसमें भी पूरकता आती है। तो जहां अभी हम मानव साथ व्यवहार करके कई बार स्वयं अतृप्त हो जाते हैं, दूसरे को अतृप्त करते हैं, उसके स्थान पर मेरी भागीदारी हर क्षण दूसरे के सुख के अर्थ में होती है, शेष प्रकृति के संवर्धन संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में होती है। यानी हम पूरी प्रकृति को फुलफिल करने का हमारा भागीदारी होता है, पूरी प्रकृति को हम फुलफिल कर पाते हैं और व्यवस्था को भी हम फुलफिल कर पाते हैं, जिससे जो हमारी भागीदारी है व्यवस्था के अर्थ में, इट गोज टू अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था यानी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और मानवीय परंपरा ह्यूमन ट्रेडिशन तक जाता है। ये स्थिति दिखाई देती है जब हम जागृत स्थिति में होते हैं, जब हम मानव चेतना में पूरी तरह से जागृत होते हैं। ये पूरी एक जो स्थिति है मैं की, जिसको जो वांछित स्थिति है उसका विवरण है। इस पर हम लोग विस्तार से और बात भी कर सकते हैं अभी, और जब हम लोग ओपन अप करेंगे मॉड्यूल 3 में तो और गहराई में जाएंगे। इस डायग्राम में जो भी शब्द रखे हैं उसको लेके यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि ये मॉर्निंग मीटिंग्स की वजह से बहुत लाभ हो रहा है। जैसे मैं पहले भी जुड़ी थी लेकिन कुछ समय किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन अभी फिर से जुड़ने के बाद मतलब कई एरियाज में लाइफ के बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है। ऑल्दो कुछ एरियाज है कि जहाँ और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे स्पेशली घर में, घर के लोगों में वर्क, लेकिन वर्क प्लेस पे बहुत आनंद आ रहा है, समता में रह पा रहे और लोगों की तरफ देखते हुए समझ में आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स में ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और आपने जो एक किसी एक सेशन में एक बात कही थी कि हम लोग बोलते रहते हैं वेरी बिजी, जैसे अभी मेरा वॉलंटियरिंग का कुछ नहीं होता है, और मतलब विनय भैया बहुत बार बोलते रहते हैं कि आप सेशंस की और देखो, मतलब उसके लिए प्रिपेयर करो वगैरह, वो नहीं हो पाता है। तो आपका एक सेंटेंस मुझे बहुत छू गया, मतलब कि बिजी डूइंग व्हाट, मतलब जिस समझ के लिए हमें काम करना है अगर उसके लिए हमारे पास समय नहीं है तो हम किसमें समय गवा रहे हैं। तो ये बात बहुत पसंद आई, लेकिन अभी भी उसमें मुझे इम्प्लीमेंट करना अभी मेरे से हो नहीं रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसमें और मतलब वॉलंटियरिंग में मेरा और कंट्रीब्यूशन बढ़े, देखते हैं कैसे आगे होता है। लेकिन आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर द सेशंस बीइंग प्रोवाइडेड, और उसका जो कंटेंट और सब लोग जो डिस्कस करते हैं तब जो सीख मिलती है और जो इनपुट मिलता है वो इट्स वेरी प्रेशियस। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया एक प्रश्न था, जैसे ये व्यवस्था हार्मोनी इन नेचर है, इसमें जैसे जो मानव जनित अव्यवस्था है जो हमारी पृथ्वी पे जो समझ में आती है, तो उसको व्यवस्था के रूप में कैसे देख सकते हैं? मतलब सर इस अव्यवस्था को क्या कहेंगे हम? अव्यवस्था कहेंगे और क्या, अस्तित्व व्यवस्था है, प्रकृति व्यवस्था है, मानव की चाहना भी व्यवस्था के लिए है, बट चूंकि ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ है, इससे मानव स्वयं अव्यवस्था में जी रहा है, अव्यवस्था फैला रहा है, बट उसको फैला के दुखी भी हो रहा है। और ऐसा हर मानव जब तक व्यवस्था को समझ ना ले, व्यवस्था में जी ना ले, दुखी होता ही है। तो हमको ये दिखाई देता है कि अस्तित्व तो व्यवस्था है, प्रकृति व्यवस्था है, परंतु चूंकि ये जो ब्लॉक B1 है ये एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए ब्लॉक B2 में अव्यवस्था है, वही बाहर जा रहा है व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में। बट ब्लॉक B1 का पोटेंशियल हर सेल्फ में है, तो उसको जागृत करना है, उसको पूरा करना है। तो जो अव्यवस्था हम फैला रहे हैं वो हमारी सह स्वीकृति नहीं है, बट है तो अव्यवस्था ही, क्योंकि वो हमारी सह स्वीकृति नहीं है, इसलिए हम उसको स्वयं भोगते हुए भी दुखी होते हैं, फैलाते हुए भी दुखी होते हैं,
और इसलिए हमारे अंदर इच्छा तो बनी रहती है उससे हम निकल पाए बाहर, ये व्यवस्था है समझे। मतलब उस अव्यवस्था से, मतलब उसके प्रति हमें बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बजाय व्यवस्था को समझकर उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है ना। देखिए बहुत ज्यादा क्यों कहें, दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है हमें से किसी को भी, क्योंकि जो अव्यवस्था हमने फैलाई है वो हमारा निर्णय है। उस अव्यवस्था को हम ठीक से मूल्यांकित करेंगे, व्यवस्था को समझेंगे, उसमें परिमार्जन करेंगे, दुखी होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो कुछ बाहर चल रहा है, एक तो बात ये भी है ना कि उसमें बहुत कुछ व्यवस्था भी है बट हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, बहुत कुछ हार्मनी में भी है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं कई बार, और हमारा फोकस अव्यवस्था डिसहार्मनी पे हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए तो मानव परंपरा चल ही रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, इतने सारे परिवार चल रहे हैं, इतनी सारी यात्राएं चल रही हैं, तो बहुत सारा कुछ व्यवस्था में चल रहा है। उसमें इतना ही है कि ये चूंकि ब्लॉक B1 एक्टिव नहीं हुआ है इसलिए ब्लॉक B2 में आराम नहीं है, लय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, इसलिए जीने में भी आराम नहीं मिल रहा है, उसमें भी एक सीमा तक मिल रहा है, उसके आगे नहीं मिल रहा। तो एक तो हम जब समाज का मूल्यांकन करते हैं तो हम दोनों भाग का करेंगे, जितना लोग व्यवस्था में जी पा रहे हैं और जितना अव्यवस्था में जी रहे हैं यानी व्यवस्था में नहीं जी पा रहे, और फिर उसमें हम परिमार्जन की योजना बनाएंगे। दुखी बिल्कुल नहीं होंगे, दुखी होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा है कम की क्या बात करें। हमको समझ में आता है अल्टीमेटली कि ब्लॉक B1 का एक्टिव होना कोई आस्वादन की वस्तु तो है नहीं, है ना, ये कोई भौतिक रासायनिक घटना तो है नहीं कि हमने कोई स्विच दबाया और ये ऑन हो जाएगा। इसमें तो हमको स्वयं में लगना होता है, इसकी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। ठीक, अभी हम लोग जो दुखी हो रहे हैं वो अपने संस्कारों से ही हो रहे हैं, हमारा दुख बाहर नहीं भीतर है, और ये जो हमने संस्कार अपने अंदर बना लिए हैं, नासमझी बना लिए हैं, गहरे गहरे संस्कार बना लिए हैं, अपने आप को शरीर मान लिया, सुविधाओं को सुख मान लिया, दूसरे से कुछ पाकर, बाहर से कुछ पाकर ही सुखी होने को अपना जीवन का कार्यक्रम बना लिया। तो ऐसा सारा सोच के, ऐसा मानकर हमने अपने आप जीवन दुख में बना लिया है। हमको बात थोड़ी समझ में आ जाए, ध्यान चला जाए, जी और ये भैया, दिखता ही है कि हमें से हर व्यक्ति को समय लगता है, तो दूसरे को भी लगेगा, तो हम दूसरे के प्रति भी स्नेह का भाव रख पाते हैं। मुझे समय लग रहा है, दूसरे को भी समय लगेगा। जी जी भैया, ठीक है, स्पष्ट हो गया। हाँ भैया नमस्ते। भैया अभी जो चर्चा चल रही थी उसी से ही मतलब थोड़ा आगे मतलब उल्टा जुलता प्रश्न या उसी के क्रम में है कि भैया एक चीज तो ये स्पष्ट होता है कि जैसे B1 होगा तभी हम मतलब ये जो ना कि समाधान ही सुख है, ज्ञान सुख है, ये चीजें समझ आएगी या वो जीना में हो पाएगा। बच्चे के संबंध में देखें तो फिर क्या वो मतलब हमें इंतजार करना ही पड़ेगा उस बच्चे को कि वो एक उस मेधस मतलब एक उम्र तक जाए तभी चूंकि वो B1 आ पाएगा, ये ऐसा है? ऐसा नहीं है तो क्या कार्यक्रम बनाया जा सकता है उन छोटे बच्चों के लिए कि जो अभी नहीं है मतलब ये कि अभी ऐसा ही है तो फिर तो ये हम कह रहे हैं कि हम संवेदना से सुखी होने वाला और इन चीजों को ही हम पुष्ट कर रहे हैं जो अपना उसका संस्कार है उसके अलावा बाकी के समाज के द्वारा और ये जो भी 7 साल 8 साल 10 साल में वो और मतलब पुष्ट होते जाता है कि संवेदना से ही सुख है समझ, और वो चीजें कैसे दिखा सकता है, उस दिखाया जा सकता भी है या नहीं मतलब। देखिए, एक तो हम सही भाव को तो शेयर हर क्षण कर सकते हैं, डे वन से बच्चा उत्पन्न हुआ उस समय से ही, है ना, हम सही भाव तो शेयर कर ही सकते हैं उसके साथ, और ठीक सही बात भाव को बच्चा भी पहचानता है। घर में भी आप देखें, चार लोग हैं, चारों अलग ढंग से अगर व्यवहार करें तो जिसका भाव ठीक रहता है बच्चा उसके प्रति आश्वस्त रहता है। तो ठीक पहला बात है काम तो हम ये करेंगे कि हम स्वयं में सही समझ सही भाव को इंश्योर करेंगे, है ना। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम तो एक शिशु को उत्पन्न करने से पहले ही ये योजना बनाते हैं कि पहले हमारे अंदर तो ज्ञान हो, है ना, तो हम उसके लिए काम करेंगे। ठीक, तो हम एक तो प्रोएक्टिवली इसके लिए काम करेंगे, दूसरा बच्चे के साथ सही भाव शेयर करेंगे, तीसरा कि जैसे जैसे बच्चे के साथ संवाद शुरू होता है, और संवाद तो बच्चे के साथ साल भर में भी शुरू होने लगता है, थोड़ी बहुत बातें जी, होने ठीक लगती है, ठीक है ना, तो बात वहां पे भी हम संवाद को इस प्रकार से कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर जांचने परखने की प्रक्रिया शुरू हो, ना कि मानकर जीने की। तो किसी भी मुद्दे पे हम बच्चे के साथ डायलॉग कर सकते हैं, 3 साल की उम्र होते होते तो, है ना, एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उसके साथ डायलॉग कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, ये ठीक है, वो ठीक है,
तो जो बच्चे का पूरा मेधा विकसित होता है उसके बाद ये संभावना बनती है कि हम विस्तार से हर एक मुद्दे पर बात कर सकते हैं, जो उसके निकट परिवेश में उसके भी और जो निकट परिवेश में नहीं है उसके भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चों की किताबों को भी देखें तो क्लास वन में अगर आप चैप्टर्स को देखें तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रहा है। ऐसा NEP 2020 के हिसाब से यह है कि भाई बच्चा 6 वर्ष का हो जाए जब क्लास वन में जा रहा है, उस समय से देखिए चैप्टर में जो कंटेंट है, हम कहानियां भी सुना रहे हैं, है ना, धरती के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें इतना ही हम सूचना दे रहे हैं, उसके साथ जीना कैसे है इस पर हम संवाद कर सकते हैं। और बच्चे के साथ संवाद करते करते हमको दिख जाता है कि ये इसकी सीमा आ गई है ना, उसके आगे बच्चा नहीं पकड़ पा रहा। ठीक है, मेधा के विकसित हो जाने से ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ये तो हमको दिखता है। ब्लॉक B1 के एक्टिव होने के लिए तो अपने को जांचने और जी कर देखने का कार्यक्रम बनाना होगा। हाँ भैया वो तो शरीर क्लियर है कि वो एक्टिव नहीं होगा, पर वो चीज भी साथ साथ, मतलब मैं उल्टे में कहूँ तो वो दिखा था कि मतलब जब तक मेधस एक लिमिट तक नहीं होता तब तक तो हमें B1 मतलब तब तक के लिए हमें शायद इंतजार करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना कि मेधस पूरा विकसित नहीं हुआ है तब भी बच्चे का संवाद तो कर ही सकते हैं, संवाद की वस्तु जो है ना वो थोड़ी कम हो सकती है। मेधस विकसित होने के बाद भी हम पूरी वस्तु के बात हो सकता ना कर पाए और आवश्यकता भी नहीं है। अभी बच्चा जो है अनुसरण से अनुकरण से चल रहा है, तो हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, अपना आचरण ठीक रखेंगे ताकि बच्चे का सही की ओर ध्यान आकर्षण जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे का भाव पहुंचे, बच्चे के अंदर विश्वास का भाव पहुंचे। अभी देखिए बच्चों पे एक तरीके से डोमिनेट करना, अग्रेसिव होना, गुस्सा करना, मारना पीटना घर घर में चलता रहता है जी, अमानवीय। अब वो सारी वो सब हम करते रहे और बच्चे के सामने प्रस्ताव लेके जाए तो बच्चा सुनेगा नहीं। ठीक ठीक भैया, तो इसमें एक जो पीछे आपने बोला था कि जो बच्चे से हम संवाद कर सकते हैं ना कि ये पसंद है नहीं या वो जो चुनने की बात है जो वहाँ तुलन की या फिर हम यहाँ पे बात करें वो आ रहा है, तो वहां पर अभी वो जब भी संवेदना से कर रहा है तो वो उसको शिफ्ट कैसे मतलब, या फिर हमें वहां तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चूंकि जैसे आप बोले ना भैया कि जो वो होती है ना कि हम डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं या वो कर, तो हमें लगता है जब हमें समाधान नहीं दिखता वो तभी हम कर रहे होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे या फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या कुछ चीजों के लिए? आपका बच्चा कितने उम्र का है? हाँ भैया वो 3 साल के हैं। 3 साल का है ना, तो ठीक है अभी बच्चे के साथ आप सही भाव से प्रस्तुत हो जी जी, आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे का ध्यान आकर्षण जो है वो संवेदना की ओर कम हो, भाव की ओर ज्यादा हो, है ना जी जी तो जी, जो खिलौने लाके दे रहे हैं, जो कपड़े लाके दे रहे हैं, ठीक है ना जी, तो या जिस तरह की हम उसके सामने बैठ के बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर रंग के प्रति आकर्षित है तो हम उसको ध्यान में रखकर ही उसके लिए सिलेक्शन करें। हम दिखा सकते बच्चे की बच्चे के लिए जो कपड़ा है उसका जो महत्व है स्वास्थ्य के लिए है, खिलौने हैं उसका जो महत्व है वो शरीर के अंगों के विकास के लिए है, तो भले ही हम उसको हर मुद्दे पे बात नहीं करेंगे परंतु हम जो सिलेक्शन करेंगे वो तो सही विधि से ही करेंगे ना जी जी। और सब बहुत हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, देखिए बच्चा आपके जीने को बहुत ठीक से ऑब्जर्व करता है, आपका पत्नी के साथ व्यवहार कैसा है, अड़ोस पड़ोस का व्यवहार कैसा है, घर में वातावरण कैसा है, घर के वातावरण में सुविधा केंद्र में है जीने के लिए या संबंध केंद्र में है या समझ को भी हम देख पा रहे हैं और उसके लिए हम योजना बना पा रहे हैं। बच्चा इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसका अनुसरण करता है जी जी, है ना, और वो बच्चे तक ऑलरेडी प्रस्ताव जा रहा है कि ये जीने का सही ढंग है या कुछ और ढंग है, तो बहुत खबरी करने की जरूरत नहीं है। अपने जीने पर अगर हम फिर से काम करेंगे, अब जैसे आप सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, बच्चा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे को तो दिख ही रहा है कि आप सुबह उठकर एक सत्र अटेंड करते हैं या सुबह उठकर कुछ और हरकतों में लग जाते हैं जी, ये तो बच्चे तक प्रस्ताव रूप में जा ही रहा है कि ये भी एक कार्यक्रम है, इस सत्र को अटेंड करते हुए आपका व्यवहार कैसा है परिवार के साथ, उसको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर बच्चे को लगता है कि सत्र को अटेंड करने से आपका व्यवहार ठीक हो रहा है तो बच्चे के अंदर इस प्रस्ताव के प्रति आश्वस्ति बनती है, नहीं तो रिएक्शन आ सकता है बाद में। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, UHV के मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैं अपने आप को पहचान पाई उसमें जो ज्ञान है, ज्ञान के समीकरण को जो मैं समझती हूँ सर, भाई मैं समझती हूँ नहीं, मतलब कि जो मेरे में आया
जो वो फॉर्मूला जो मेरे को पहचान में आया कि जितना हम ज्ञान को भर रहे हैं तो अज्ञानता उतनी कम हो रही है, और जब हम अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं उस ज्ञान से तो ऑब्वियसली हार्मनी और हैप्पीनेस दोनों हमारे पास आ रही है और उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में पड़ रहा है। तो ये मेरे को फील हो रहा है ये एक्सरसाइज करने से, तो ये क्या सही दिशा में हम जा रहे हैं? हाँ ठीक है दीदी, अगर आपका प्रस्ताव की ओर ध्यान जा रहा है उससे अपने जी, जीने जी. का हम आकलन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, आपको जी, ही देखना होगा कि हम ठीक ठीक आकलन कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रस्ताव पे ध्यान कितनी देर तक बना रहता है, उसको हम स्वयं में जांच पा रहे हैं कि नहीं। ये जानना और पहचान, ये जांच करना ना, जांच में थोड़ा सा मैं चूक कर जाती हूँ कि वो जब एक्सरसाइज करने लगती हूँ तो बीच में बहुत सारी चीजें ध्यान में आने लग जाती हैं, तो फिर अपने अपने को जांचने और परखने में थोड़ी सी देरी होने लग जाती है। वो ध्यान रखें, इनफैक्ट हम लोग जैसे 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 अभी प्रस्ताव पे ध्यान जाता है और उसको अपने जीने से जोड़ कर देख पाते हैं, उसमें हमको दिखता है कि यही सुख का आधार है, तो फिर उसको ध्यान बना रहता है, अन्यथा ध्यान जिसको भी हम सुख माने हुए रहते हैं उस पर हमारा ध्यान भटकता रहता है जी। तो उस पर बहुत अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली जो मुद्दा है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, हमको दिखाई दे कि सही समझ सही भाव से ही सुख है, उस पर काम करेंगे उस पर ध्यान देंगे, जो अभाव है उस पर ध्यान नहीं देंगे फिर। ठीक है, वही भाव को हमें अपने स्वभाव में लाना, भाव पहले सुनिश्चित है, अपने अंदर सही भाव सुनिश्चित करना है। हाँ जी, सही भाव सुनिश्चित करना। ठीक है जी जी सर। तो इसके साथ हम लोगों ने अभी तक शास्त्रित्व को लेकर जितनी बात की है यूएचई वन और यूएचई टू में, उसको भी हम लोग एक बार रिकैप करेंगे इस पूरी बात को, तब तक कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये जो शेयरिंग है कि किसी भी काम को करते हुए यदि हमारा फीलिंग सही हो तो हम उससे दूसरों को अपनी बात ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, जो अफेक्शन है हमारे दिल में हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है उसके साथ यदि हम हमारी सही फीलिंग्स के साथ काम करें तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाउसवाइफ की, जब लड़की मायके से ससुराल आती है तो एक परायापन सा होता है, उसके बाद फिर जब कुछ साल रहती है धीरे धीरे अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है तो फिर ये होता है कि वहाँ क्रिटिसिज्म नहीं रहता, जहाँ अपनापन होता है, ममता जहाँ होती है, अफेक्शन होता है, तो उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे ये अपनापन का फीलिंग होता है। स्टूडेंट्स भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो एक जो प्रोसेस होती है स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग फॉर्मिंग परफॉर्मिंग स्टेज से वो पास होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, तो पहले जो रैगिंग वगैरह होती है वो सब स्टॉर्मिंग की प्रोसेस की वजह से होती है, फिर नॉर्मिंग फॉर्मिंग परफॉर्मिंग, और फाइनल ईयर में जब जाते हैं तब तो एक दूसरे के साथ वो मतलब बिछड़ते हुए रोने लगते हैं, इतना उनका अफेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो अभी जो बच्चों को सिखाने के बारे में बात हो रही थी कि माँ अपने बच्चे को बोलना कैसे सिखाती है, तो ये जो अफेक्शन होता है तो माँ अपने बच्चे से बोलना कब शुरू करती है, वो पैदा होते ही, या हो सकता है कि पैदा होने से पहले ही बात करना शुरू कर देती है। वो यदि सोचे कि ये बच्चा बोलना सीख जाए उसके बाद में बात शुरू करूंगी, तब तो वो बच्चा कभी बोलना सीख ही नहीं पाएगा, लेकिन ये जो माँ का विश्वास होता है धीरे धीरे वो बच्चा समझना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर वो एक लिस्प मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देता है जो मीनिंगलेस है, तो मीनिंगलेस सिलेबल्स वो लिस्प या जो बड़बड़ बोलते हैं मराठी में वो बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे एक दिन वो मीनिंगफुल बातें शुरू कर देना है। तो हमें भी टीचर्स में भी एक माँ की तरह पेशेंस होना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हेन यू विल बिकम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, व्हेन यू विल बिकम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, व्हेन यू विल बिकम हार्डवेयर डिजाइनर, व्हेन यू विल बिकम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी एक सेल्फ इमेज बनना शुरू हो जाता है। हम यदि ऑन द अदर हैंड यदि ऐसा कहने लग जाए कि ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको तो जॉब मिलना मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो कुछ करने के लायक नहीं हो, तो उसकी एक निगेटिव इमेज सी बनने लगती है। तो हम यदि पेशेंस के साथ बात करें धीरे धीरे मैंने देखा है कि स्टूडेंट की एक सेल्फ इमेज अच्छी बनने लगती है, और हम जब बोलते हैं कि व्हेन यू विल बिकम कंप्यूटर इंजीनियर तो उसकी वो फाइनली वो उस स्टेज तक वो पहुंच जाता है, और उसको जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है तो बातें भी बड़े ध्यान से सुनने लगता है और सुनने में उसका मन लगता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर टीचर प्यार से अफेक्शन से सिखा रहा है, वहां पर बॉस तो जो है वो काम लेगा, हो सकता है वो सिखाए या ना सिखाए, तो वो बड़े ध्यान से सुनने लगता है। तो ये जो पेशेंस होता है, एक माँ का पेशेंस जो होता है अपने बच्चे के प्रति, वो फीलिंग यदि हमारे दिल में हो अपने बच्चों के लिए
तो फिर वो ज्यादा अच्छे से वो चीज स्टूडेंट जो है वो ग्रहण कर पाते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन है कि जो हमारे हम डायग्राम देखते हैं एक्टिविटीज की, उसमें डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन जैसे सीक्वेंस में दिखाते हैं, तो ये भाव जो है वो इसी सीक्वेंस में आता है, मतलब इन्हीं के आता है, तो किस पॉइंट पे आता है? मतलब भाव डिजायर के स्तर पर है। ओके, मतलब वो एक्टिविटी है या फिर वो एक फोर्स या एनर्जी जैसे बोलते हैं? देखिए एनर्जी भी एक्टिविटी ही है, तो अल्टीमेटली पूरी प्रकृति को देखें तो एक्टिविटी है, क्रिया है, तो भाव भी क्रिया है। और उसमें जो अगर आप डायग्राम को देखें तो दो तरह क्रिया लिखी है, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। तो भाव हमारे अंदर स्थापित होता है, सही भाव, उससे हमारे अंदर सही निर्णय होते हैं। तो निर्णय गति में होते हैं, भाव हमारे अंदर स्थापित होते हैं। अभी जब तक हमारे अंदर सही भाव स्थापित नहीं होते तो आप पाएंगे कि हमारे अंदर जो भी भाव बने रहते हैं उसमें हलचल रहती है, उसमें स्थिरता नहीं हो पाती, उथल पुथल लगा रहता है। तो हम चाहते तो है कि हमारे सही भाव स्थित हो जाए, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि हम अभी चिंतन में जागृत नहीं है, चित्रण में काम कर रहे हैं और चित्रण गति है, तो यहाँ पे कोई सही भाव हमारा स्थित हो नहीं पाता या गलत भाव स्थित नहीं हो पाता, तो हिलता डुलता रहता है। इसलिए हम अभी जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं और चित्रण तक ध्यान देते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई भाव स्थिर रूप से नहीं दिखाई दे रहा, कभी सही कभी गलत ऐसा चलता रहता है। इसलिए हम लौट लौट कर फिर विचार पे चले आते हैं और विचार में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। बट जब हमको सही भाव दिख जाता है कि हाँ ऐसा ही है, तो जाके चिंतन में स्थापित होता है, फिर वह स्थिति में आ जाता है, फिर उसके साथ हम आराम में रहते हैं। उसके पहले यहाँ हलचल रहती है, उधेड़ गुण रहता है, भगदड़ रहती है, हिलना डुलना रहता है, परेशानी की स्थिति रहती है, कभी सही भाव आता है कभी गलत भाव आता है, क्योंकि अभी हम चिंतन में स्थापित नहीं हुए हैं तो चित्रण में वो स्थापित होगा नहीं, चित्रण तो गति क्रिया है। इसलिए हम फिर वहां से भगदड़ में नीचे आते हैं, विचार करते हैं, तो विचार से हम फिर आशा तक जाते हैं और हम अपने आप में एक परेशानी की स्थिति को देख पाते हैं। आराम तब मिलता है जब चिंतन में सही भाव स्थापित होता है। मेरी तो अभी सुनने में ही अच्छा लग रहा है और अभी तक जो भी आप बता रहे हैं उसमें यही देख पा रही थी कि कहाँ कहाँ मेरी शिफ्टिंग हो रही है। तो भैया जो जीने में इन सब चीजों में जहां तक मैं अभी देख पा रही हूँ कि मतलब ऐसे 100% तो नहीं बन पा रही है, कहीं कहीं मतलब ऐसे कमी लग रही है ऊपर नीचे, काफी चीजों में शिफ्टिंग तो है, काफी चीजों में शिफ्टिंग तो है। जैसे आपने एग्जांपल दिया छोटे बच्चे का, तो उसमें एक चीज भैया मैं छोटा सा शेयरिंग रखना चाहती हूँ कि अभी एक मेरे पास छोटा सा बच्चा था, एक महीना भर मैंने उसका कुछ सेवा लिया था। तो जैसे अभी एक भैया कह रहे थे ना कि 3 साल का बच्चा उनका, तो जितना आपने अभी तक इसमें समझाया कि हम सेल्फ में कितना फोकस रहते हैं, जैसे कि इतना हम अगर उसको अवेयरनेस के साथ जैसे हम कितना बार बार हम स्वयं में ध्यान देंगे, तो छोटे बच्चे के पास भी तो वही चीज है। जैसे हम इन्वायरमेंट को देखते हैं या जो भी हम आसपास उनके क्रिएट करते, तो बच्चा भी तो वो सेम चीज को अब्सॉर्ब कर रहा है। और वो बड़ा होकर ही कहाँ सीखता है, वो तो शुरू से ही सीखता आ रहा है। इवन यहाँ तक हम कहते हैं कि जैसे माता की गर्भ में भी होते तो हम क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम बैठ रहे हैं, कैसे हम व्यवहार में आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बट हम जब बच्चा बाहर आता है तो हम कहते हैं पीछे की तो किसने, अब छोड़ो, अब यहाँ से संस्कार को हम देखने लगते। तो फिर होता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भाई बच्चे के आसपास हम जो रखते हैं वो तो कैच करता ही है ऑटोमेटिक है भैया, ये चीज तो लगता मुझे। और भैया उससे मुझे थोड़ा सा एक अनुभव भी हुआ, अभी अलग में काफी पहले कर भी चुकी हूँ, एक टॉकिया के साथ पहले हो चुकी है, लेकिन उस चीजों को मैंने धीरे धीरे रिजॉल्व करा, क्योंकि एक लगता है ना छोटे बच्चे को अगर कीमती चीज दे दो तो वो वैल्यू नहीं करता, उसको क्या पता है ना पैसे की वैल्यू क्या है या इस चीज को कैसे उसको उसको यूज करना है। पर वो उस टाइम तो मैंने नहीं दिलाई, पर कुछ साल बाद जैसे उसके पास कुछ ऐसे स्टॉय इकट्ठे हुए तो वो निकालती नहीं है, इतना उसको अटैचमेंट के साथ वो इतनी अच्छे से उसको संभाल के रखा हुआ है। तो अब मैं उसको समझ पाती हूँ कि बच्चे के अंदर वो चीजें थी सारी, अब मैं अगर उसको निकाल के बोलूंगी दे दो या निकाल दो तो कहीं कहीं ना कहीं उसको तकलीफ का कारण बन जाएगा। तो मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई जब उसका मन करे
वो निकालती है, देखती है, रख देती है। तुम देखते हो कितनी पुरानी संस्कार है, उसके अंदर ये चीज भरा हुआ था, तब मैंने नहीं दिलाया था, पर अब चीज उस चीज को देख पा रही हूँ। तो इतना बड़ा बच्चा हो गया पर वो संस्कार उसके अंदर वो भर गया ना भैया। तो भैया इसमें मैं कुछ लेना चाहती हूँ इनपुट। वही तो, उसका क्या रोल है उस खिलौने का उस बच्चे के सुख में? बच्चे की उम्र अभी क्या है? अभी तो भैया वो बड़ी है, मतलब 25 है, बट वो चार साल की उम्र से उसके अंदर वो भरा हुआ है ना। जैसे उस टाइम मैंने नहीं दिलाया था तो उसको ये शिकायत था कि आपने मुझे उस टाइम नहीं दिलाया था मम्मा, उसको यही एक वर्ड आती है, मम्मा आपने उस टाइम नहीं दिलाया था। अब मुझे उस टाइम जब बात को याद करती तो मुझे लगता है वो 2500 का या 1500 का चीज मैं दिलाती तो उसको क्या वैल्यू थी उस चीज का। बट मेरे लिए वो 1500 रुपये बहुत वैल्यू थी उस टाइम, क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर पूरा दिख रहा था। और बच्चे को वो इतना चुभन रह गई थी, अब वो कोई भी टॉय आती है तो वो इतना आराम से रखती है, वो कहती है कि आपने मुझे उस टाइम नहीं दिलाया था। ये चीजें जैसे कई बार बहुत तकलीफ करती है। हाँ ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। तो अभी भी अगर देखें तो बच्ची का अभी जो उम्र है ना, उसके हिसाब से उसके अंदर अभी जितनी समझ विकसित होनी थी अभी वो नहीं हो पाई है, तो स्पष्ट होता है, क्योंकि तो अभी भी वो उस खिलौने से सुख पाने में लगी हुई है और उसको इस बात का क्षोभ है कि आपने उस उम्र में ये खिलौना नहीं दिलवाया था। तो उस उम्र में भी अगर हम देखें तो खिलौने का क्या सदुपयोग है, उस बच्चे को स्पष्ट नहीं था। तो हम ये अभी भी स्पष्ट करा सकते हैं कि अल्टीमेटली खिलौने का रोल क्या है। अभी भी आप अगर उस खिलौने को संभाल कर रख रहे हैं तो उसमें आपका भाव क्या है, आप क्या भागीदारी देख रहे हैं उस खिलौने के साथ। खिलौना तो एक बाहरी वस्तु है, यानी अभी भी आप कोई बाहरी वस्तु से सुखी होने में लगे हुए हैं। और पहले की अगर बात करें बचपन की, बचपन में तो ये स्थिति समझ में आती है कि अभी तो बच्चे के अंदर समझ है नहीं, न समझ के विकसित होने की पूरी संभावना है, तो किसी बाहरी वस्तु से सुख पाने में लगे हुए थे, बट उसका मूल्यांकन अभी भी शेष है। तो ये आपको दिखाई देगा कि इसमें एक तो बेटी के अंदर बाहरी वस्तुओं से सुख पाने का भाव बना हुआ है, दूसरा अगर बाहरी वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती तो संबंधों में वो नहीं हो पाती, उस संबंधों में भी उसके अंदर एक रिएक्शन बना हुआ है। तो बात है कि बच्चे को समझने की जरूरत है जी। और आप बता सकते हैं कि वो जो पैसा खिलौने में लगाती है ना, वो पैसा हमने तुम्हारे पोषण में लगाया, अब आप बताओ कि उस समय हमारी जितनी आय थी उस आय से हम खिलौना लाते ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, या फिर तुम्हारे पोषण की व्यवस्था करती ज्यादा महत्वपूर्ण था? मैं ले आती हूँ खिलौना 2500 का है ना, बट तुम्हारे लिए मुझे जो न्यूट्रिशियस फूड अरेंज करना था वो 6 महीने तक नहीं हो पाता उससे, फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताओ मैंने सही निर्णय लिया कि नहीं लिया? अब आपका बच्चा है ना, आप उस समय 2500 की जीत कर रहे थे, आपका बच्चा कह सकता कि हमारे 2.5 लाख का रोबोट लेके आओ, ठीक? किसी का बच्चा कह सकता 2.5 करोड़ का है ना कार लेकर आओ। तो आप बताओ क्या निर्णय लेना चाहिए? जी भैया वो ये प्रस्ताव मैंने उसके रखा है काफी बारी, बट उसका रिएक्शन यही आके रुकती है कि आपने तब नहीं दिलाया था, वो जो मेरे को उस टाइम मन था मेरा तो वो टाइम निकल गया ना, अब मैं जो टॉयस है उसको मैं रखती हूँ, हालांकि मुझे देना भी नहीं किसी को, मुझे निकालना भी नहीं, मुझे ये रखना है बस अभी। तो वो इतने उसको ध्यान से भैया रखती है भर भर के कि अब उसके आगे एक टॉपिक अलग छेड़ जाती है, मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ फिर। बट आपकी बात तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन उसके आगे जब ये प्रस्ताव रखो तो वो वही आपकी वही बात है कि वो रिएक्शन में ही आती है हमेशा। बच्चियों का ये वर्कशॉप करें, ऐसा थोड़ी चलेगा। करिए भैया, करिए उसने 5 डे वाला स्टूडेंट वर्कशॉप करा है, बट अभी कान से सुना है, ध्यान से नहीं सुना है। हाँ जी भैया, जी भैया वो तो समझ आ रही है, उसने कान से ही सुना है, ध्यान से नहीं सुना है। और ये भी बात मुझे बहुत इम्पैक्ट करता है आपका, क्या बोलते हो ना, ध्यान से सुनो, उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो ये तो है, उसने अपना ध्यान से नहीं सुना है, और उसको अगर मैं ज्यादा जोड़ देती हूँ तो फिर वो कहती है नहीं मुझे नहीं सुनना, अभी आप सुनो। थोड़ी बात कर लेते हैं फिर प्रश्न और भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने अस्तित्व के बारे में बात की थी और ये दिखता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, और अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ कि जो पूरी प्रकृति है इकाई समूह के रूप में या शून्य में बनी हुई है, और शून्य में बनी रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। तो इकाइयां हैं जो आकार में सीमित है, हर इकाई स्वयं में क्रिया है, दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। अगर शून्य को देखते हैं तो दिखता है कि शून्य असीम है,
क्रिया शून्य है, असीम मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, और क्रिया शून्य है, शून्य में क्रिया नहीं है, शून्य क्रिया शून्य है। इस प्रकार जो प्रकृति शून्य संप्रिक्त है, ये एवर प्रेजेंट है, ये नित्य वर्तमान है, तो जो सहसित्व है वो नित्य वर्तमान है। इकाइयों को देखें तो इकाइयां दो प्रकार की दिखाई देती हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। जड़ इकाइयों में देखें तो सिंपली पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया दिखाई देती है, चैतन्य इकाइयों में देखें तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो अगर पूरे अस्तित्व को देखें तो उसमें तीन तरह की वास्तविकता है, एक जो अनित्य है, टेम्पररी है, तो जो जड़ इकाइयों को देखें तो टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों कहा, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है, उसका गठन बदलता रहता है, टेम्पररी है, अनित्य है। चैतन्य इकाई को देखें तो कंटिन्यूअस है, किस रूप में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक समान बना रहता है, गठन एक समान बना रहता है। और शून्य को देखें, जो क्रिया शून्य है, असीम है, तो एवर है, ये काल में भी निरंतर है और आकार में भी असीम है। अगर जड़ इकाइयों को देखें तो आप पाएंगे काल में भी सीमित है, आकार में भी सीमित है। चैतन्य इकाई को देखेंगे तो पाएंगे कि वो आकार में तो सीमित है, काल में निरंतर है, और शून्य को देखते हैं दिखता है ये सीमा में, आकार में असीम है और काल में भी निरंतर है, शाश्वत है, हमेशा से था, है और रहेगा, इसलिए इसका शब्द प्रयोग किया नित्य। तो ये तीन शब्द हैं, अनित्य, निरंतर और नित्य, इन शब्दों का हम लोग इसी अर्थ में प्रयोग करेंगे। तो नित्य शब्द का जो प्रयोग करेंगे वो शून्य के अर्थ में, सहस्तित्व के अर्थ में करेंगे। चैतन्य इकाइयों के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग करेंगे, जड़ के लिए अनित्य शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी को लेकर फिर हम लोगों ने पूरे अस्तित्व को एक नजर में देखा था, तो दिखता है कि अस्तित्व मतलब शून्य में संपृक्त इकाइयां। तो इकाइयों को देखें तो आकार में सीमित है, हर इकाई स्वयं में क्रिया है, दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है, और शून्य में बनी रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। जो शून्य है वह असीम है, क्रिया शून्य है। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयों को जैसे भी बात हुई अनित्य है, चैतन्य इकाइयों को देखें तो नित्य है, निरंतर है। तो जड़ इकाइयां अनित्य है, चैतन्य इकाइयां निरंतर है। जड़ इकाइयों में पहचानना, निर्वाह करना की क्रिया हो रही है, चैतन्य इकाइयों में देखें तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों क्रियाएं दिखाई देती हैं। जड़ इकाइयों में ही अगर हम देखें तो दो अवस्थाओं में दिखाई देती हैं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। तो प्रकृति में चार अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को अगर हम प्लेस करें तो ऐसे प्लेस होती है कि जितनी भी इकाइयां हैं जो पदार्थ अवस्था में है या प्राण अवस्था में, ये सभी जड़ है। पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, जो स्वयं में व्यवस्थित है। परमाणु परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु अणु से मिलकर अणु रचना बनाते हैं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, अणु रचनाएं, वो दो प्रकार से हैं, पिंड के रूप में और रस के रूप में। तो पिंड जिनका आकार एक समान बना रहता है, रस जिनका आकार बदलता रहता है ना, जो जैसे हवा पानी। तो ये जो रस है ये एक प्रकार की रचना करते हैं जिसको कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो है प्राण अवस्था की सबसे छोटी इकाई है जिसमें प्राण दिखाई देता है। इन्हीं कोशिकाओं की एक प्रकार की रचना होती है जिससे पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं, एक प्रकार की रचना होती है जिससे पशु का शरीर बनता है, एक प्रकार की रचना होती है जिससे मानव का शरीर बनता है। तो पशु के शरीर के साथ जब ये चैतन्य इकाई अस्तित्व में होती है तो जीवावस्था तैयार होती है, और मानव शरीर के साथ जब चैतन्य इकाई अस्तित्व में होती है तो ज्ञानावस्था तैयार होती है। ये ज्ञानावस्था है, इसमें जानने की क्षमता है, जैसे हम सब में जानने की क्षमता है, और अभी हम मान के जी रहे हैं, पहचान रहे, निर्वाह कर रहे हैं। ये जानने काम हमारे अंदर जब पूरा होता है तो हमारी क्रियाएं पूर्ण होती हैं, हमारा ज्ञान पूरा होता है, हमारे अंदर सही भाव स्थापित होता है। तो ये एक स्थिति बनती है ज्ञान के पूरा होने से। ज्ञान पूरा होता है तो हमारा आचरण भी पूरा होता है। आचरण भी पूरा होने का मतलब मेरे अंदर हर क्षण सहस्तित्व का भाव, सहस्तित्व का ही विचार होता है,
मेरे व्यवहार में हर क्षण सत्यत्व का ही निर्वाह होता है, मेरे कार्य में हर क्षण सत्यत्व का ही निर्वाह होता है, मेरी भागीदारी हर क्षण सत्यत्व के अर्थ में ही होती है, और यही मेरा विकास है। और पूरी प्रकृति में देखें तो जो विकास होना है वो चैतन्य इकाई में ही होना है, जड़ इकाइयों में तो एक चक्रियता दिखाई देती है, तो दिखाई देता है कि पदार्थ अवस्था कोई इकाई है ना, उसमें एक संभावना बनी, उसमें पेड़ पौधे तैयार हुए, ये पेड़ पौधे एक समय के बाद वापस मिट्टी मिल गए और पदार्थ का ही भाग बन गए, तो इसमें चक्रियता है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो एक समय के बाद इसको भी मिट्टी मिल जाना है, पशु के शरीर को देखें इसको मिट्टी में मिल जाना है, पेड़ पौधे हैं उनको मिट्टी मिल जाना है, फिर इसी मिट्टी से वापस पेड़ पौधे तैयार होने हैं, उसी मिट्टी से जो पेड़ पौधे तैयार होंगे है ना वो किसी मानव के पोषण के काम आएंगे, से अगला शरीर तैयार होगा, पशु के पोषण में काम आएंगे उससे पशु का शरीर तैयार होगा। तो ये जो जड़ इकाइयां हैं इनमें एक चक्रियता दिखाई देती है, चैतन्य इकाई में कोई चक्रियता नहीं है, एक रेखीयता है, एक दिशा में है, लीनियर है ना, और इसमें जो भी परिमार्जन होता है वो निरंतर बना रहता है, इसमें परमानेंट है वो। इधर देखें तो टेम्पररीनेस है, जो कुछ भी हो रहा है, हमने एक बिल्डिंग बनाई है ना, हमने 126 तल्ले की बिल्डिंग बना दी, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना दिया, बट टेम्पररी है कि नहीं, तो हम जो कुछ भी जड़ में कर रहे हैं वो टेम्पररी है, जो भी हम रचनाएं बना रहे हैं वो आज नहीं तो कल विरचित हो जाएगा, एक समय के बाद हो ही जाता है, बट यदि मेरे अंदर सही भाव स्थापित हो गया वो बना रहेगा निरंतर कि नहीं, मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो गया वो बना रहेगा। तो जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो दिखता है कि अल्टीमेटली मुझे समय कहाँ लगाना है, ये सब जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, टेम्पररी है, इसमें कोई सार नहीं है, तो फिर वहीं चला जाएगा। हमारा शरीर एक समय उत्पन्न हुआ, शरीर बड़ा हुआ, हमने उसके साथ जिया, एक समय के बाद बूढ़ा हुआ, फिर वहीं चला जाएगा। तो शरीर के रंग रोहन में कोई उपलब्धि नहीं है, शरीर तो साधन मात्र है, ठीक, मकान है वो शरीर का साधन है, इस मकान में भी अगर हम लगे रहें, एक के बाद एक बनाते रहें, नए नए रचनाएं इसमें देते रहें, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, ठीक, क्योंकि ये सामयिक है, अनित्य है, जो बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं बना रहे हैं है ना, एक साधन के रूप में जहां तक बना रहे हैं ठीक है, बट इसी को हम साधे बना लें तो ना समझिए। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो हमें दिखता है कि अल्टीमेटली मुझे अपने को लगाना कहाँ है, इस शरीर यात्रा का प्रयोजन कहाँ क्या है। कई बार ये होता है कि परस्परता के दबाव में हम इसी क्षणिकता में लिप्त हो जाते हैं, इसी क्षणिकता में लिप्त हो जाते हैं। अगर हमको ये पूरी बात ध्यान में रहे तो दिखता है कि पूरे अस्तित्व में एकमात्र विकास का जो अवसर है वो तो चैतन्य इकाई में ही है, और चैतन्य इकाई में अपने को काम करना है और शुरुआत मुझसे होनी है। तो ये अगर दृश्य हमारे सामने रहे, जो डायग्राम है हमारे सामने रहे, ये जो हमको दिखाई दे कि अल्टीमेटली जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके कोर में मेरा विकास है, और मेरा विकास भी कमरे में बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, मुझे अपने विकास के लिए जांचना है और इस पूरे अस्तित्व के साथ भागीदारी करनी है, यहाँ जी कर देखना है, तो हम अपना निश्चित कार्यक्रम बना पाते हैं कि नहीं। उससे पहले हमारा कार्यक्रम क्षणिकता के अर्थ में ही बना रह जाता है। हमारे असाइनमेंट में ये रहेगा कि ये जो सामने इतनी बात आई उसको हम अपने जीने से जोड़कर कितना देख पाते हैं, कितना रेलिवेंट लगता है, क्या मुझे लगता है कि निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए शून्य को भी समझना होगा, इस पूरे अस्तित्व को समझना होगा, ये लगता है उससे कम में भी काम चल जाएगा, इसको हम अपने कार्यक्रम में कहाँ प्लेस कर पाते हैं, क्या वरीयता दे पाते हैं, इसको अपने आप में देखना है, आज असाइनमेंट के रूप में रहेगा। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया ये पूछना है, देखिए बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग की क्रिया और सही समझ राइट अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों अलग है तो कैसे अलग है? नहीं, फिर राइट अंडरस्टैंडिंग और बोध, बोध को भी हमने अंडरस्टैंडिंग दिखाया था ना भैया अभी पीपीटी में। तो ये दोनों अलग है ना क्रिया की, एक ही कहे तो राइट अंडरस्टैंडिंग ज्ञान को कह रहे हैं, ज्ञान में फिर अनुभव प्रमाण बोध संकल्प चिंतन सबको जोड़कर राइट अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, और उसका एक भाग है अंडरस्टैंडिंग बोध। तो अंग्रेजी में थोड़ा शब्दों को लेकर थोड़ा
लोकेट करने में, सही शब्द पहचानने में कठिनाई होती है, तो कई बार शब्द रिपीट होते हुए लगते हैं। तो हिंदी में स्पष्ट है, ज्ञान मतलब ब्लॉक B1 का एक्टिव होना, ये ज्ञान है। उसमें क्रियाएं हैं अनुभव, बोध, चिंतन। तो बोध मतलब प्रकृति की व्यवस्था का बोध होना। भैया और एक ये पूछना है, देखिए सह अस्तित्व का भाव क्या मुझ में बन रहा है, इसको अगर मुझे समझना है या जानना है तो कैसे समझूं? देखिए उसको हम देखेंगे कि ये जो संबंध है ये सह अस्तित्व का ही प्रकटन है। ये जो शेष प्रकृति के साथ हमारा जो भाव है, प्रकृति को संवर्धित करने का, संरक्षित करने का, सदुपयोग करने का, ये भी सह अस्तित्व का ही प्रकटन है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे संबंध से, है ना, संबंध से शुरू करेंगे, व्यवस्था पर ध्यान देंगे। फिर किसी पॉइंट पर हमारे अंदर सहज रूप से प्रश्न उठने लगता है, थोड़ी आगे की स्थिति हो सकती है कि अल्टीमेटली संबंध का आधार क्या है, व्यवस्था का आधार क्या है, तो फिर हम शून्य को भी देख पाएंगे। तो अभी हमारे अंदर जो भाव है, अगर संबंध का है तो वो भी सह अस्तित्व का ही भाव है, अगर प्रकृति को संवर्धित करने का भाव है तो वो भी सह अस्तित्व का ही भाव है। इतना ही है कि अभी मैं उसको संपूर्णता में नहीं देख पा रहा हूँ, शून्य में संपृक्तता के स्तर पर नहीं देख पा रहा, इतना ही हो सकता है। जैसे हम कहते हैं शून्य को भी देखना, मतलब ये तो फिर चित्रण वाली क्रिया कहे या नहीं? शून्य को देखना मतलब अनुभव की क्रिया। और वो कैसे देखें? वही उसकी वरीयता धीरे धीरे बनती चली जाए। तो अभी हमारा ध्यान कहाँ पे है उसको हम देखेंगे। अभी हमारा ध्यान सुविधा पे है, या हमारा अभी ध्यान शरीर पे गया है, या हमारा अभी ध्यान शरीर और मैं के बीच में संवाद, जो सूचना का दान प्रदान हो रहा है उस पे गया है, या अभी हमारा ध्यान भाव पे गया है, या अभी हमारा ध्यान व्यवस्था पे गया है, स्वयं पे गया है, या शून्य पे गया है। हम देखेंगे अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारा कॉम्पिटेंस क्या है। तो सुबह में जो हम इतना सारा अभ्यास कर रहे हैं इसी अर्थ में कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अभी हम सेलेक्टिंग टेस्टिंग में ही फंसे हुए थे, वहां से निकल कर कम से कम अब एनालाइज कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे जो बात हुई, अगर हम उस पूरी बात को ना भी देख पाए, एनालाइज तो कर पाते हैं कि देखो ये तो अनित्य है, इसमें क्यों फंसे हुए हैं, इसका सदुपयोग कर ले ठीक है, बट इसको लक्ष्य बना ले ये ठीक नहीं है। तो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, फिर इसका हम इमेजिंग करते हैं, जीने का स्वरूप क्या होगा, इसके साथ इसका परिवार रहेगा या छूट जाएगा, इसके समाज में रहेंगे जिएंगे या समाज से निकल के कहीं गुफा में जंगल में बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा हम इमेजिंग भी करते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे अंदर शंका, प्रश्न, द्वंद्व बड़े हो सकते हैं, उन सबका हम निराकरण करते हैं। तो इसी क्रम में धीरे धीरे हमको ज्ञान की जो अनिवार्यता है वो दिखाई देने लगती है, हम वहां पर ध्यान दे पाते हैं। ध्यान हम ही को देना है, जो कई बार बात होती है कि मैं ही दृष्टा हूँ, ठीक, और देखने शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप को ही, तो मैं ही दृश्य भी हूँ। बट हम अभी चूंकि बहुत सारी चीजों को महत्वपूर्ण माने हुए हैं, तो हम अपने आप को दृश्य के रूप में नहीं रख पाते, बहुत सारी बाहर की वस्तुएं दृश्य में बनी रहती है, तो ध्यान नहीं जाता है। तो अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो सारी चीजें दिखाई देती हैं। समय हो चला है जी, सभी को नमस्ते।